आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन भुना रेसिपी कुछ अलग तरीके से। सो आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले सबको नमस्कार, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मटन भुना बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा किलो फ्रेश मटन। थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं मटन का पीसेस, और मटन का पीस थोड़ा बड़ा साइज का होना चाहिए। और मटन को अच्छी तरह से धो लेना है, फिर प्रेशर कुकर में पूरा मटन को डाल देना है। फिर ऐड कर देंगे हम तकरीबन 2 बड़ा चम्मच खट्टा दही, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक। और मटन को अच्छी तरह से चलाना है, पूरा दही हल्दी और नमक में इसे एकदम मटन को मिला लेना है अच्छी तरह से। और ऐड कर देंगे हम 2 छोटा कटोरी पानी, और कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे और तकरीबन 3 सीटी होने देंगे। 3 सीटी से ज़्यादा नहीं होने देंगे क्योंकि ये बाद में और भी पकेगा। कढ़ाई पहले से फ्री हीट हो चुका है, और मैं ये जो मसाला, जो बेसिक मसाला है जो मैं यूज़ करती हूँ हर एक रेसिपी में, धनिया, जीरा, गरम मसाला, काली मिर्च, तेज़पत्ता, कसूरी मेथी, इन सब मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। और अच्छी तरह से इसे भूनना है इस, ताकि जब हम इसे पीसेंगे तो अच्छी तरह से पीस जाए। अब यही पैन में मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/2 छोटा कप सरसों का तेल, और तेल में बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, आप लोग शायद देखते होंगे मेरे रेसिपी में। प्याज ऐड कर देना है ढेर सारा कटा हुआ। अब आप सब देख सकते हैं मैं कितना इसमें तेल यूज़ की हूँ, प्याज चलाते समय में आप लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ज़्यादा तेल डालने से सब्जी या मटन चिकन टेस्टी होता है, पर अगर आप बनाने का तरीका जानोगे ना तो थोड़ा सा तेल में भी बहुत मज़ेदार रेसिपी बनता है। ये मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पीस चुका है, मैंने एकदम बारीक पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अब प्याज भी है वो हल्का सा भुन गया है, पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, इसलिए गैस का फ्लेम को अब मैं मीडियम कर दे रही हूँ ताकि प्याज अच्छी तरह से भुन जाए। मटन जो है वो लगभग 3 से 4 सीटी हो गया है, अब मैं इसे छानूंगी। और छानने के लिए मैं एक इस तरह का छकनी यूज़ कर रही हूँ, और ये जो मटन स्टॉक है इसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। और ये बिल्कुल हो गया है मटन, हल्का सा कुक हो गया है, और प्याज भी जो है वो भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, मतलब ये प्याज भी बिल्कुल भुन चुका है। और अब मसाला ऐड करने का बारी है। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 4 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये स्वाद अनुसार नमक। अच्छी तरह से चला लेना है, आप सब देख सकते हैं इसमें कितना कम तेल लग रहा है, पर ये जब बन के रेडी हो जाएगा ना तब ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब ये जो मटन है, छना हुआ मटन, इसे ऐड कर देना है और अच्छी तरह से चला लेना है, और गैस का फ्लेम को आप धीमी रखना है। मटन को अच्छी तरह से चलाने के बाद ढक देना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पे भूनने देना है। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है, आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम कितना धीमी है और ये बिल्कुल नहीं जला है। अब अच्छी तरह से चला लेना है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे फेटा हुआ दही, और लगभग मैं यहाँ पे 1/2 छोटा कटोरी दही ऐड कर रही हूँ। दही बिल्कुल ऑप्शनल है, पर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये दही से ही इससे घी निकलेगा। अच्छी तरह से चला लेने के बाद ढक्कन लगा देना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए एकदम धीमी आँच पर कुक करना है। मैंने ढक्कन हटा दिया है 5 मिनट के बाद, आप देख सकते हैं ये आधा भुन चुका है, और भी इसे कुक होना है इसलिए इसे अच्छी तरह से चला लेना है।
अच्छी तरह से चलाने के बाद अब मैं ऐड करने जा रही हूँ भुना हुआ मसाला जो मैं पहले पीस के रखी थी। अब इसे अच्छी तरह से ऐड कर देने के बाद मैं यहाँ पे पूरा का पूरा मसाला ऐड कर दे रही हूँ और अच्छी तरह से चला लेना है और इसे अच्छी तरह से भुनने देना है इन मसालों के साथ तकरीबन 3 मिनट तक एकदम धीमी आँच पे। और मटन को जितना भुनेंगे उतना इसका फ्लेवर उभर के आता है, ऐसा मेरा मम्मी कहती थी और ये सच बात है। अब हम ऐड कर देंगे मटन स्टॉक और थोड़ा सा पानी और अच्छी तरह से चला लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा भुना है क्योंकि ये भुना रेसिपी है, इसलिए इसे बहुत ही ज़्यादा भुनना पड़ता है। अब हम ढक देंगे और तकरीबन इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे कुक करेंगे। ये रेसिपी धीमी आंच पे कुक होता है और बहुत ही टाइम लगता है कुक होने में। 8 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है, इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम ऐड कर देंगे मटन का चर्बी, इसे लास्ट में ऐड करना होता है क्योंकि इसे पहले ऐड कर देंगे तो ये गल जाएगा और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। मटन की चर्बी को ऐड कर देने के बाद अच्छी तरह से चला लेना है और ढक देना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे कुक करना है। पाँच मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है, आप सब देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है पर ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा कम करूँगी। इसलिए इसे इसी तरह ही खुला करके मैं इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे अच्छी तरह से उबालने दूँगी और थोड़ा सा ग्रेवी कम होने दूँगी। और ये जो चर्बी है ये भी अच्छी तरह से कुक हो गया है। अच्छी तरह से चलाने के बाद 5 मिनट के बाद थोड़ा सा चक्के में दिखा देती हूँ कि इसका नमक जो है वो सही है कि नहीं और ये कितना टेस्टी बना है। नमक बिल्कुल सही है और बहुत ही मज़ेदार बना है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है, तकरीबन 1 छोटा चम्मच। गरम मसाला ऐड कर देने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक उबालने देना है, तुरंत गैस का फ्लेम को बंद नहीं कर देना है ताकि गरम मसाला का जो फ्लेवर है वो मटन के अंदर अंदर तक चला जाए और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। भुना रेसिपी बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। मैंने गैस का फ्लेम को बंद कर दी हूँ। इसका जो कलर है, इसका जो ग्रेवी है वो आप देख सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा ये रेसिपी। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और एंड तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू।